Hello students, welcome to the Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now we continue the last topic, digestion and absorption. Introductory part will be completed. Now we talk about the respiratory tract. And the internal structure of lungs. So the respiratory tract is divided into number of types. The first one is external nasal passage. Then nasal chamber. Nasopharynx. And laryngopharynx. These are the four part where the respiratory tract is divided. Firstly, external nasal passage. ये जो हमारा nasal passage कहलाता है, that is the external nasal passage. It is filled with the number of hairs and which track the external particle whenever while the inhalation takes place. जब हम air लेते हैं तो air के साथ बहुत सारे dust particle भी रहते हैं, कुछ pollen grains भी रहते हैं, तो उनको tracked किया जाता है जो hairs present है external nasal passage के अंदर. देन नेजल चेंबर. नेजल पैसेज के बाद जो चेंबर ओपन होता है नियर अबाउट यहाँ पे आपका लोकेटेड है, दैट वी कॉल्ड नेजल चेंबर, जहाँ पे एक्सटर्नल नेजल पैसेज ये जो ट्यूबुलर पार्ट है नोज का वो आपका ओपन अप होता है. बिलो दैट द नेजो फेरिंग्स इज देयर हियर. यहाँ पे आपका कॉमन पैसेज रहता है विंड पाइप का और फूड पाइप का. उस कॉमन पैसेज को हम फेरिंग्स बोलते हैं. तो जो पार्ट फेरिंग्स का नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ है दैट वी कॉल्ड नेजो फेरिंग्स. एंड अगर कोई पार्ट आपका फूड पाइप से जुड़ा है तो वो फेरिंग्स कहलाता है. बिलो द नेजो फेरिंग्स लैरिंगो फेरिंग्स इज प्रेजेंट. द फेरिंग्स पार्ट इज अटैच टू द लैरिंग्स दैट वी कॉल्ड लैरिंगो फेरिंग्स. लैरिंग्स के साथ कैसे जुड़ा है यहाँ पे हम देखते हैं. ये हमारी नेजल ओपनिंग है, सपोज दिस इज नॉस्ट्रिल. ये जो पैसेज कहलाएगा दैट इज द एक्सटर्नल नेजल चेंबर. ये छोटा सा पैसेज रहता है यहाँ तक ट्यूबुलर पार्ट, जिसके अंदर नंबर ऑफ हेयर्स लोकेटेड रहते हैं जो पोल्यूशन को या ड्रग्स पार्टिकल को ट्रैप करते हैं. बिलो देम आपका एक वाइड पोर्शन रहता है दैट वी कॉल्ड नेजल चेंबर. ये नेजल पैसेज आपका नेजल चेंबर में ओपन हो रहा है. एंड बिलो दैट द फेरिंग्स इज ओपन. यहाँ पे हमारा ये नोज पाइप है, यहाँ से हमारा ये फूड पाइप आ रहा है, ये फूड पाइप, क्योंकि नोज की लोकेशन ऊपर है, फूड की लोकेशन नीचे है, तो फूड पाइप यहाँ पे ओपन हो रहा है. तो ये कॉमन पैसेज है नोज पाइप का एंड फूड पाइप का. तो इस कॉमन पैसेज को कहा गया है फेरिंग्स. ओके, तो फेरिंग्स अगर हम फूड पाइप यहाँ पे जाना है हमारा स्टमक में, सॉरी फूड पाइप जाना है हमारा स्टमक में, एंड ये जो विंड पाइप है ये हमारा आना है लंग्स में. ओके, ये कॉमन पैसेज है. तो ये जो कॉमन पैसेज है यहाँ पे जो नेजल कैविटी के साथ ये जो पार्ट है यहाँ पे विंड आपका सॉरी विंड पाइप है, यस विंड पाइप है. तो विंड पाइप या फेरिंग्स के साथ जुड़ा है तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका नेजो फेरिंग्स. एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा विंड पाइप क्रॉस करते हुए आता है ना, फूड पाइप बैक तरफ से जाता है, विंड पाइप सामने की तरफ से आता है. तो विंड पाइप के जस्ट यहाँ पे नीचे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दैट वी कॉल्ड लैरिंग्स. लैरिंग्स यहाँ पे फेरिंग्स वाला हिस्सा है ना, फेरिंग्स वाला हिस्सा यहाँ पे विंड पाइप से जुड़ा हुआ है तो नेजो फेरिंग्स. ये फेरिंग्स वाला हिस्सा यहाँ पे लैरिंग से जुड़ा हुआ है, ये लैरिंग से जुड़ा है तो ये होगा लैरिंगो फेरिंग्स. That we call laryngopharynx. तो external nasal passage ये हमारा, then ये nasal chamber जो wide portion है थोड़ा सा. Below the nasal chamber pharynx is located where the food pipe and wind pipe open. Food pipe जहाँ पे wind pipe की opening है pharynx के साथ that region we called nasopharynx, and जहाँ पे wind pipe की opening है larynx के साथ that we called the laryngopharynx. This is about the respiratory tract. Then आपका wind pipe नीचे run करता है, तो जब नीचे वो run करता है तो that part we called trachea. उसी विंड पाइप को हम ट्रकिया बोलेंगे, इसी को हम विंड पाइप भी बोलेंगे.
है ना, एंड इसी को हम ग्लॉटिस भी बोलते हैं। तीनों नाम इसी के हैं, ट्रकिया, विंड पाइप एंड ग्लॉटिस। अब क्या होता है, लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साउंड। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनियस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ है, ओके, एंड इट इज कवर्ड विथ, ये लैरिंग्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे कवर्ड है, लैरिंगोफैरिंक्स के पास एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट है, दैट फ्लैप वी कॉल्ड इपीग्लॉटिस। अब इपीग्लॉटिस का काम क्या है, इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है, कब बंद करता है, ड्यूरिंग द सोलोइंग, जब क्योंकि ये फूड फैरिंग्स वाला रीजन कॉमन है फूड पाइप के लिए एंड विंड पाइप के लिए, तो जब भी हम खाना खाते समय निगलते हैं, हम चबा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब निगलते हैं तो निगलते समय क्या हो जाता है, बाय चांस ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो विंड पाइप में चला जाए, वो ट्रकिया के अंदर चला जाए, तो वो क्या करता है, इपीग्लॉटिस लैरिंग्स को ढाक देता है, बंद कर देता है, ट्रकिया को बंद कर देता है, ग्लॉटिस को बंद कर देता है ना, तो ये कहलाता है इपीग्लॉटिस। ये फंक्शनिंग उसका कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इपीग्लॉटिस की लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये ग्लॉटिस को बंद करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोलविंग। अब ये साउंड भी क्रिएट कर रहा है, हमारा जो लैरिंग्स है वो साउंड बॉक्स कहलाता है, साउंड क्रिएट करता है, बट साउंड कब क्रिएट करता है, इट क्रिएट साउंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, तो सांस छोड़ते समय जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है उसके दौरान साउंड क्रिएट होता है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए हमारी बोलने के ऊपर, जब भी हम बोलते हैं तो हम सांस लेना और बोलना एक साथ पॉसिबल नहीं होता, या तो हम सांस ले सकते हैं या तो हम बोल सकते हैं, तो जब भी हम बोलते हैं मीन्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, मतलब हमारी एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रही है, तो जो हमारे वर्ड्स बाहर आते, जो साउंड क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है आपका एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वेन एवर द साउंड इज क्रिएटेड बाय लैरिंग्स, कब क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का पाठ हमने देखा, ओके। लैरिंग्स के बारे में एक और चीज़ जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो मेन्स रहते हैं, मेन्स में लैरिंग्स की साइज थोड़ी बड़ी रहती है फीमेल की तुलना में, मेन में उसकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है, मीन्स वॉइस बॉक्स थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उनकी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आउट ग्रोथ दिखाई देती, गले के पास आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ी सी आउट ग्रोथ दिखाई देती है, एंड दैट आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो मेन में डेवलप्ड होता है, फीमेल में नहीं होता, तो एडम सेटअप एप्पल जब डेवलप हो जाता है नियर अबाउट, ये होता है आपका 14 टू 15 एज के दौरान, प्यूबर्टी एज के दौरान एडम सेप्पल डेवलप होता है, तब उनका जो साउंड है थोड़ा सा होरस बन जाता है, एंड दैट साउंड वी कॉल्ड लो पिच साउंड, वो साउंड कहलाता है लो पिच साउंड, जबकि फीमेल का जो साउंड होता है वो हाई पिच साउंड होता है। और एडम्स एप्पल ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये आपका प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है नियर अबाउट द एज ऑफ 14 और 15, जब जाके आपका वॉइस यहाँ पे चेंज हो जाती है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मेल बॉडी, ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड, नाउ वी टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, लंग्स। बट लंग्स के साथ और भी कुछ ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, या स्ट्रक्चर में आते हैं बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर में आते हैं, तो फर्स्ट है हमारा ट्रकिया, इसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इसी को हम ग्लॉटिस भी बोलते हैं, देन है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली, दीज आर द मेन पार्ट विच शो इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये कुछ मेन पार्ट है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन शो करता है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट ट्रकिया, स्टार्ट कहाँ से होगा, बिलो द लैरिंग्स, एक्चुअली वो नेजल पार्ट से स्टार्ट होता है, ये लैरिंग्स है हमारा, है ना, इसके नीचे का जो पाइप स्टार्ट होता है विंड पाइप, इसे हम बोलेंगे ट्रकिया। कहाँ तक ट्रकिया बोलेंगे, यहाँ से हमारा रन होता है ना, कहाँ तक ट्रकिया बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रन होता है, जब तक वो बायफर्केट नहीं होता तब तक ट्रकिया, सॉरी ट्रकिया। बायफर्केट हो गया, बायफर्केट होगा दो पार्ट्स में,
दैट वी कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकी. इसको ट्रकिया, ये होगी प्राइमरी ब्रोंकी. ओके, प्राइमरी ब्रोंकी दो ब्रोंकी में डिवाइड हो गई. एक जाएगी लेफ्ट लंग के पास, एक जाएगी दो राइट लंग्स के पास, क्योंकि हमारे लंग्स के, हमारे पास लंग्स के पेयर रहती है, एक लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, एक राइट साइड में लोकेटेड है. तो ये जो है अगेन डिवाइडेड होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी में. प्राइमरी ब्रोंकी जो है अगेन डिवाइडेड हो रही है सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी में. तो सेकेंडरी ब्रोंकी थोड़ा सा मिटा देते हैं हम यहाँ पे नाम. ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकी. ओके, सेकेंडरी ब्रोंकी ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी ब्रोंकी. तो सेकेंडरी ब्रोंकी क्या होती है, लेफ्ट सॉरी राइट लंग्स की तरफ इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट एंड लेफ्ट लंग की तरफ इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लेफ्ट में ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट में ये थ्री पार्ट में डिवाइड हो रही है. ऐसा क्यों, इसको ध्यान रखेंगे यहीं पे. सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी से अटैच आपकी टर्शरी ब्रोंकी रहती है. तो सेकेंडरी ब्रोंकी राइट लंग्स में थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट लंग्स में टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. देन ये अगेन आपकी डिवाइडेड हो जाती है, दैट वी कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकी. दो पार्ट में डिवाइड होती है ना. दिस इज टर्शरी ब्रोंकी, ये सेकेंडरी ब्रोंकी. इनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग रहती है, ये पूरा जो ट्रकिया है उस ट्रकिया के ऊपर हाफ सी शेप एक कवरिंग रहती है कार्टिलेज की बनी, है ना. ये इस तरह से हाफ सी शेप कवरिंग रहती है, दैट कार्टिलेज की बनी रहती है. कार्टिलेजिनियस कवर कैसी है, वो हाफ सी शेप है, मतलब पीछे से सॉरी आगे की तरफ से आपका लोकेटेड है, पीछे की तरफ से फ्लैट है, वो पीछे की तरफ से उसका सिंपल फॉर्म है, ऐसे सिंपल है और ये ऐसी लोकेशन होगी उसकी. ओके, तो ये कवरिंग कहाँ तक है, ये कवरिंग है प्राइमरी ट्रकिया के ऊपर, ये कवरिंग है प्राइमरी ब्रोंकी के ऊपर, यहाँ पे भी है ना. ये कवरिंग है सेकेंडरी ब्रोंकी के ऊपर एंड ये कवरिंग है टर्शरी ब्रोंकी के ऊपर, कार्टिलेज की सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी के ऊपर. इसके नीचे ये जो टर्शरी ब्रोंकी है अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो वो कहलाती है आपकी ब्रोंकियोल्स. ये फिर से डिवाइड हो जाएगी ब्रांचेस में. इतना पुराने निकालती हूँ मैं, ज़्यादा हॉचपॉच हो जाएगा. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. इसकी फिर से ब्रांचिंग होती है, दैट वी कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. ओके, तो ब्रोंकियल्स हो गए एंड फाइनल पार्ट इज एल्वोली. ये क्या होता है, तो एल्वोली को स्टार्ट करने से पहले हम लंग्स को देखेंगे. तो लंग्स का स्ट्रक्चर, चलो ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. लंग्स के बारे में टू टाइप्स ऑफ लंग्स, टाइप्स नहीं कहेंगे हम, टू पार्ट्स ऑफ द लंग्स. एक जो पार्ट है दैट इज द राइट लंग्स एंड दूसरा है लेफ्ट लंग. ओके, एक पार्ट भूल गई मैं यहाँ पे. आपका जो प्राइमरी ब्रोंकी है ये राइट साइड में रहती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेफ्ट साइड में रहती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ऐसा क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों, वो देखते हैं हम. राइट साइड की जो ब्रोंकी रहती है वो हॉरिजेंटल रहती है, थोड़ी सी हॉरिजेंटल फॉर्म में रहती है, जबकि जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकी रहती है वो थोड़ी सी वर्टिकल फॉर्म में रहती है, है ना. ये डिफरेंस है प्राइमरी ब्रोंकी के बीच का. लेफ्ट ब्रोंकी जो है वो वर्टिकल रहेगी एंड उसकी जो चौड़ाई रहती है दैट वी कॉल्ड नैरो, बट जो राइट ब्रोंकी है वो थोड़ी सी वाइड रहती है. 2.5 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, थोड़ी सी वाइड रहती है एंड आपकी हॉरिजेंटल लोकेशन है जबकि इसका वर्टिकल लोकेशन है. ओके, लंग्स में राइट लंग्स जो है इट इज़ द बिगर इन साइज देन लेफ्ट लंग. बिगर क्यों है ये अभी हम आगे बताते हैं. एंड लेफ्ट लंग ऑब्वियसली क्या है, स्मॉल साइज. राइट लंग बड़े साइज का है, लेफ्ट लंग छोटे साइज का है. इसका जो वेट है राइट लंग्स का वो है 620 ग्राम एंड लेफ्ट लंग का वेट है आपका 560 ग्राम. ऐसा क्यों, ऑब्वियसली इसका वेट ज़्यादा है तो ये बड़ा साइज का है, ये हैवी होगा. इसका वेट कम है तो ये छोटे साइज का, ये आपका लाइट होगा. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जस्ट वेट.
राइट लंग्स में हमने देखा कि आपकी जो सेकेंडरी ब्रोंकी है वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो रही है, थ्री लोब्स में डिवाइड हो रही है, एंड दैट लोब्स वी कॉल्ड सुपेरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फेरियर लोब, जबकि लेफ्ट में सिर्फ आपका रहता है सुपेरियर एंड इन्फेरियर। सुपेरियर मतलब ऊपर की तरफ गया लंग्स में, मिडल मतलब लंग्स में मिडल की तरफ आया, एंड इन्फेरियर मतलब लंग्स में नीचे की तरफ गया। यहाँ पे सिर्फ ऊपर की तरफ गया एंड नीचे की तरफ गया, दैट्स वाई सुपेरियर एंड इन्फेरियर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। बहुत ही रेयर पूछा जाता है, कभी कभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने की पॉसिबिलिटी है। ओके, इसका वेट ज़्यादा क्यों, इसका वेट कम क्यों, अभी दो मिनट में हम देखते हैं। बट और एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि राइट लंग्स में किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं आपको मिलेगा, ऑल ओवर स्ट्रक्चर है, कोई तरह का ब्रेकेज नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। बट लेफ्ट लंग में डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, एंड दैट डिप्रेशन वी कॉल्ड कार्डियक नॉच। अब यहाँ पे हमें वेट का डिफरेंस समझ में आएगा। एक छोटी सी डिप्रेशन है जो लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, राइट के पास वो नहीं है, और ये नॉच की वजह से इसका वेट कम हो जाता है और इसका वेट बड़ा ज़्यादा रहता है। अब ये नॉच क्या करती है, कार्डियक नॉच, कार्डियक इज नथिंग बट, कार्डियक के वर्ड हमने सुना है किससे रिलेटेड सुना है, कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स कहाँ रहती है, बॉडी में सिर्फ हार्ट के पास मिलती है और किसी के पास नहीं मिलेगी, है ना। तो कार्डियक मसल्स हार्ट के पास मिलेगी, मीन्स कार्डियक नॉच के अंदर आपका हार्ट का लोकेशन रहता है। तो बोलते हैं ना हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपका लोकेटेड है, तो लेफ्ट साइड में क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट लंग्स के अंदर लोकेटेड है। एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर रिब केज है ना, लंग्स के ऊपर रिब केज है जो प्रोटेक्ट करता है। रिब केज क्या है, सामने की तरफ स्टर्नम जुड़ा है, पीछे की तरफ हमारे बैकबोन है, वर्टेब्री है, वर्टेब्री से स्टार्ट होते हुए स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और उस रिब केज के अंदर दोनों के दोनों लंग्स हमारे लोकेटेड है, और लंग्स के अंदर भी हमारा हार्ट लोकेटेड है। मीन्स रिब केज ऊपर लंग्स और उसके अंदर हार्ट, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए, तो प्रोटेक्शन इतने सारे ऑर्गन्स के द्वारा, क्योंकि लंग्स भी हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, तो उसको रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है उसकी वेट के बीच का राइट एंड लेफ्ट लंग्स के, वो दिस इज ड्यू टू कार्डिया नॉच। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया। अब हम इसके जो रफ स्ट्रक्चर निकाला उसके ऊपर हम हमारा जो लंग्स है उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, लंग्स का कलर है रेडिश पिंक कलर ड्यू टू द हाई, क्या बोलेंगे हम, कि उसको कैपिलरीज, फुलफिल ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, बहुत ज़्यादा ब्लड का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। वास्कुलराइज्ड ऑर्गन है, वास्कुलराइज्ड ऑर्गन है मीन्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स उसके पास प्रेजेंट है, और ब्लड का कलर रेड है तो ऑब्वियसली ऑर्गन का कलर भी आपका रेडिश एंड पिंक आएगा। ओके, नाउ वी ड्रॉ द लंग्स हियर। अब ये 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से हम लंग्स ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड इस लंग्स के अंदर लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है ना हमारा, एंड ये राइट है लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट रहती है, दैट टाइप डिप्रेशन इज प्रेजेंट एंड दैट वी कॉल्ड कार्डियक नॉच। इस नॉच के अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है, है ना। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर मैंने बहुत छोटा निकाला, बट इतना छोटा नहीं रहता, बहुत ही कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर है। आपका लंग्स ऑलरेडी छोटे हैं और उसके अंदर भी आपका हार्ट लोकेशन रहता है, तो इसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से हमारा यहाँ पे वेट में, दोनों के वेट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकी निकाली मैंने, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते तो यहाँ पे एल्वोलीज आ जाएगी हमारी। ओके, है ना, ये ब्रोंकियोल्स और एल्वोली, द फाइनल स्ट्रक्चर इज एल्वोली। ओके, सो वेयर आई राइट, आई राइट हियर। एल्वोली इज फाउंड इन सैक फॉर्म, इसे हम बोलते हैं एल्वोलियो सैक। एक बंडल है, कैसा बंडल है, अंगूर जैसा दिखता है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ उसको, ये अंगूर जैसा बंच है। ओके, ये अंगूर जैसा बंच है, ये ऐसा दिखाई देता है कंप्लीट। ओके, इसे हम बोलेंगे एल्वियोली सैक, एल्वियोली सैक। सिंगल, इसमें का एक सिंगल स्ट्रक्चर हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम एल्वियोल।
एक सिंगल स्ट्रक्चर निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे एल्वियोली। एल्वियोली सैक के अंदर एक एल्वियोली, ये क्या होगा, कहाँ जुड़ी होगी, एल्वियोली सैक जुड़ी है हमारी ब्रोंकियोल्स को, हर एक ब्रोंकियोल्स के पास जुड़ी हुई है इसे, है ना। तो ये पूरा भर जाता है इसे, ये बहुत सारी ब्रांचेस लेती है इसमें, ये पूरा ना एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा सूखे पेड़ में किसी डंडियाँ दिखाई देती है वैसे सूखे पेड़ का स्ट्रक्चर, और उसमें सब में बलून लगे हैं, एल्वियोली सैक लगी है। एक सैक के अंदर नियर अबाउट 8 to 10 एल्वियोली आपकी प्रेजेंट रहती है, एक सेल के अंदर 8 to 10 एल्वियोली आपकी प्रेजेंट रहती है। एंड एल्वियोली इज द वेरी थीन स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो गैसियस एक्सचेंज में एक्चुअली हेल्प करता है, एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे टेक्स प्लेस होता है। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसका एक्चुअल प्रोसेसिंग देखेंगे, बट बहुत ही ट्रांसपेरेंट बोलेंगे हम, बहुत ही थीन स्ट्रक्चर है। एंड 8 to 10 एल्वियोली प्रेजेंट इन 1 एल्वियोलर सैक, द पोजिशन ऑफ द एल्वियोलर सैक इज अटैच टू द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स किससे अटैच है, सेकेंडरी टर्शियल ब्रोंकी से, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी कहाँ से अटैच है, प्राइमरी ब्रोंकी से, है ना, प्राइमरी ब्रोंकी ट्रकिया को अटैच है। तो कहाँ तक हमारा कार्टिलेजिनियस कवर है, हमारा टर्शरी ब्रोंकी तक कार्टिलेजिनियस कवर है, ब्रोंकियोल्स के पास कोई कार्टिलेजिनियस कवर नहीं है, वो आपका मेम्ब्रेनस पाइप है। तो यहाँ से दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स होता है। बट लंग्स की जो कवरिंग है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन भी 2 layers की बनी रहती है ना, तो मैं थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ से, कि हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, हाफली ड्रॉ करूँगी अब, ये ऐसा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, हार्ट है हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इनर को, इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन, एक्चुअली वी नॉट कॉल्ड देम मेम्ब्रेन, हम एक्चुअली उसको मेम्ब्रेन नहीं बोलते, उसको हम बोलते प्लूरा। तो लंग्स के पास कितने प्लूरा है, 2 प्लूरा है, आउटर इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा एंड आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पार्शियल प्लूरा। और ये विसरल प्लूरा और पार्शियल प्लूरा के बीच में गैपिंग रहती है, दैट गैपिंग इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, इस गैपिंग के बीच में आपका प्लूरल फ्लूइड लोकेटेड रहता है। ये क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड के फंक्शन क्या आएंगे, फर्स्टली मेंटेन द गैप बिटवीन प्लूरा, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के अंदर गैप मेंटेन करता है, देन मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, शॉकअप दे रहा है, दोनों मेम्ब्रेनस को शॉकअप दे रहा है, दोनों मेम्ब्रेनस को होल्ड कर रहा है, होल्ड द मेम्ब्रेन और होल्ड द प्लूरा, दोनों प्लूरा को होल्ड करके रख रहा है, पकड़ के रख रहा है ना। एंड हमारा जो एक्सटर्नल शॉक्स है उसके भी उसके कारण हमारी जो लंग्स को हानि होने की पॉसिबिलिटी है उससे भी वो बचाता है या फिर शॉकअप देता है, इन शॉर्ट बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, आउटर प्लूरा वी कॉल्ड पार्शियल प्लूरा, इनर प्लूरा वी कॉल्ड विसरल प्लूरा। ये क्या है, दिस इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स, दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। आई होप आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। यही से हमारा मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है, वो किस तरह से ब्लड के अंदर मिलता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, दिस इज ब्लड, है ना, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड के साथ उसका किस तरह से कांटेक्ट होता है, ये हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में देखेंगे। तो आपको आपका लंग्स का स्ट्रक्चर एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा लंग्स है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके ऑल पार्ट्स, आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, थैंक यू।